नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है क्वालिटी एंड फैक्ट फॉर यूपीएससी नेट के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेक्चर सीरीज़ के अंदर ये मेरा दूसरा लेक्चर है और ये जून 2007 का क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ और इसको मैं बहुत ही ब्रीफली आपके सामने रखूँगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट सेपरेटेड एथिक्स फ्रॉम पॉलिटिक्स। दोस्तों, मैकियावली आधुनिक युग में पहले ऐसे चिंतक हुए हैं जिन्होंने नैतिकता को राजनीति से अलग किया, लेकिन सबसे पहले कौटिल्य ने राजनीति को अलग किया था नैतिकता से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट हैड बीन क्रिटिसाइज्ड एज पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता का विरोधाभास, ये रूसो की जनरल विल है। अब जनरल विल क्या थी रूसो की, कि जनरल विल से बाहर कोई जा ही नहीं सकता है, जनरल विल फाइनल है सभी व्यक्तियों के लिए। तो ये एक तरीके से क्या होगी, स्वतंत्र तो व्यक्ति रहे नहीं, सारे व्यक्ति क्या हो गए, स्वतंत्रता के अधीन दास बन गए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस बाय विच कम्युनिटी ऑफ ह्यूमन बींग डील विद देयर प्रॉब्लम्स हुज वर्ड आर दीज। ये वर्ड है हेरोल्ड लासवेल के। ठीक है, उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड द ग्रोथ ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एज अ सब डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों, 1950 के बाद कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एक सब डिसिप्लिन बना है और इसमें मुख्य योगदान रहा है हेरोल्ड जे लास्की का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद डुअल सिटीजनशिप। अब देखो, इंडिया में फेडरल सिस्टम है लेकिन एकल नागरिकता है, यूएसए में डुअल सिटीजनशिप भी है और फेडरल सिस्टम भी है। यूके तो आपको पता है यूनिटरी है, स्विट्जरलैंड में फेडरल सिस्टम है। तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अकॉर्डिंग टू लुशियन पाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्राइसिस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इन्होंने तीन क्राइसिस बताए हैं। सबसे पहला है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, पहचान का संकट, क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी और क्राइसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्राइसिस ऑफ करप्शन इन्होंने नहीं बताया है। तो इसका सही आंसर है बी, एक दो और तीन। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज रेफर टू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 51 के अंदर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्ड विद द रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट। तो दोस्तों, ये था आपका 91st अमेंडमेंट। इसमें क्लियरली बोला गया है कि मंत्रिमंडल का आकार प्रधानमंत्री या मंत्री समेत 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। दोस्तों, पैसिव रेजिस्टेंस की बात महात्मा गांधी ने भी की है, लेकिन फादर बोला जाता है अरविंदो घोष को। अरविंदो घोष ने ही सबसे पहले पैसिव रेजिस्टेंस की बात की थी। पैसिव रेजिस्टेंस क्या है, इसमें आप एक्टिवली तो विरोध नहीं करोगे लेकिन पैसिवली उनका विरोध करोगे, जैसे कि उनकी बात नहीं मानना। ठीक है, सामने वाले की बात नहीं मानना या चुपचाप बैठ जाना, ये भी पैसिव रेजिस्टेंस है। ठीक है, हु डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज ऑपरेशन हैविंग फॉर देयर पर्पज द फुलफिलमेंट और एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ये बात की थी एल डी व्हाइट ने। हु अमंग द फॉलोइंग कोल्ड द क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवर्ब्स। अब कहावते क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को बोला था हर्बर्ट साइमन ने। ठीक है, अब कहावते क्यों बोला, दोस्तों क्लासिकल थ्योरी थ्योरिस्ट भले ही वो हेनरी फ्योल हो या टेलर हो, वो बोल रहे थे जो हमने सिद्धांत बनाए हैं पूरी दुनिया में लागू होगा। ठीक है, लेकिन कहावतें क्या होती, कहावतें तो किसी एरिया विशेष से रिलेटेड होती है ना। तो इन्होंने बहुत कड़ी आलोचना की क्लासिकल अप्रोच की और बोला कि आप जो ये यूनिवर्सली
अप्रूव्ड प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये आपके हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से लागू हो रही है। तो इन्होंने कहा होते इसे बोला था, हु डिफाइंड सिविल सर्विस एज प्रोफेशनल बॉडी ऑफ ऑफिशियल परमानेंट पेड एंड स्किल्ड, ये बोला था हरमन फाइनर ने। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वाइवल ऑफ सार्क मेनली डिपेंड ऑन, सार्क का सर्वाइवल किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटरेस्ट ऑफ वीकर स्टेट। अब ये कुछ टेढ़ा लग रहा है, इंटरेस्ट ऑफ वीकर स्टेट, सार्क तो खुद वीकर स्टेट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये तो नहीं हो सकता है। पीस एंड कॉपरेशन, बिल्कुल शांति और सहयोग के लिए ही सार्क बना था, और इनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये दिया है, यूनिमिटी ऑफ डिसीजन, एक रूपता तो कभी डिसीजन में आ ही नहीं सकती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि सारी की सारी कंट्रियाँ संप्रभु संपन्न है, ठीक है, सॉवरन है सारी कंट्रियाँ, तो डिसीजन तो अपनी मर्जी से लेंगे सब। इशू ऑफ बायलेटरल रिलेशन, ये थोड़ा बहुत है, लेकिन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय, शांति के लिए एकता का प्रस्ताव यूएन यूएनओ का है, ठीक है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बताया गया है कि यूएन का निर्णय, जो यूएन का जो निर्माण है वो शांति की स्थापना के लिए ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, UNCTAD बेसिकली प्रोमोटेड, अब UNCAT क्या प्रमोट करता है, सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ये ट्रेड और डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर होगा बी, इंटरनेशनल ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 16, अब ये असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है, और मैंने आपको पहले भी बताया था असर्शन और रीजन के क्वेश्चन करना बहुत सिंपल और मुझे इंटरेस्टिंग भी लगता है, लेकिन हिंदी में। सबसे पहले देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इतिहास की व्याख्या करता है, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक बोला जाता है कार्ल मार्क्स को, ठीक है, कार्ल मार्क्स इज द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म, तो वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इतिहास की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे वैज्ञानिक समाजवाद सब्जेक्ट है, वैज्ञानिक समाजवाद यहाँ पे प्राथमिक वस्तु है, अगर वैज्ञानिक समाजवाद की बात नीचे हुई है तो दोनों सही है और रीजन भी है, लेकिन यहाँ पे वर्ग संघर्ष पहले सुपर स्ट्रक्चर में होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वैज्ञानिक समाजवाद को ये इलेबोरेट नहीं कर रहा है, तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 17, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पश्चिमी विद्वानों की प्रमुख चिंता समुदाय का विचार रही है, बिल्कुल सही बात, मैंने कम्युनिटेरियनिज्म समुदायवाद के ऊपर वीडियो डाली थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि समुदायवाद 20वीं सदी के उत्तरार्ध में 1970-80 के दशक में ये सामने आया है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। रीजन, स्थानीय लोकल विस्मृत और कमजोर हो गया है, मतलब स्थानीय जो आपके समुदाय है वो बहुत ज़्यादा कमजोर हो गए हैं, बिल्कुल सही बात है, ऊपर यहाँ पे समुदाय की बात हुई है और नीचे समुदाय के कमजोर होने की बात हुई है, तो इसका सही आंसर होगा ए, ए और आर दोनों सही है और ए सही रीजन है। क्वेश्चन नंबर 18, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण प्रकार्य और संरचना की संकल्पना के इर्द गिर्द घूमता है, बिल्कुल सही बात है, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन के इर्द गिर्द ही घूमती है। रीजन देखते हैं, प्रकार्य किसी प्रणाली के कार्यों की अभिरचना के वस्तुनिष्ठ परिणाम के तौर पर परिभाषित किया जाता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ऊपर स्ट्रक्चरल फंक्शनल की बात हुई है, लेकिन यहाँ पे व्याख्या किस चीज़ की हो रही है, सिर्फ फंक्शन की, तो ये इसका सही इलेबोरेशन नहीं है, सही तरीके से परिभाषित या व्याख्या इसकी नहीं की गई है, तो इसका सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अभिजात्य सिद्धांत मध्य एवं पश्चिमी यूरोप के देशों में प्रजातंत्र के विवेचन के तौर पर प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है, जो एलीट थ्योरी है वो मध्य और पश्चिमी यूरोप में डेमोक्रेसी के क्रिटिक में ही यूज हुई थी, प्रत्येक प्रजातांत्रिक समाज में अल्पसंख्यक शासन करते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे अभिजात्य जो अभिजन है, अभिजन को नीचे इसमें व्याख्या इसकी सही तरीके से नहीं की गई है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर इसका रीजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, 1977 के बाद भारत में साझा सरकार का प्रयोग सफल रहा है,
साझा सरकार, गठबंधन की सरकार तो 1991 1990-91 के बाद बनी है, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको आर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका ए गलत है तो आर तो आपका सही होगा ही होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 21। 1970 के दशक में सभी प्रकार के सामाजिक के समाज का चरित्र एक सा है। अब ये बोल रहा है जितने भी प्रकार के समाज है, भले ही वो इंडिया का इंडियन सोसाइटी हो, अमेरिकन सोसाइटी हो, स्विट्जरलैंड की सोसाइटी हो, सबका चरित्र एक सा है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इंडिया का सोशल सिस्टम अलग है, अमेरिका का अलग है, तो ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, ना तो 1970 में, ना ही फ्यूचर में कभी। तो यहाँ पे ए गलत है, तो इसका सही आंसर होगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। पद सोपान हायरार्की प्रशासन में मानव संबंधों को कई प्रकार की हठधर्मिता की ओर ले जाती है। बिल्कुल गलत है। पद सोपान हो सकता है संगठन को रिजिडिटी की ओर ले जाए, लेकिन मानव संबंधों को नहीं ले जाती। जो मानव संबंध पद सोपान में बनते हैं, हायरार्की में, जैसे कि सुपरवाइजर का संबंध बनता है वर्कर से, और सुपरवाइजर का बनता है अपने कोऑर्डिनेटर से, वैसा संबंध कहीं भी नहीं बन सकता है। तो ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन की गई है यहाँ पे हायरार्की की। तो यहाँ पे ए गलत है, तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 23। लोक प्रशासन लाभ के उद्देश्य से पूर्णता मुक्त नहीं है। लोक प्रशासन लाभ के उद्देश्य से पूर्णता मुक्त नहीं है। बिल्कुल सही, ये लाभ से मुक्त नहीं होता है। रीजन, सरकारी कार्यकलापों का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण को प्रोत्साहित करना या बढ़ाना होता है। सही है, सरकारी कार्यकलाप में मैक्सिमम जन कल्याण की बात की जाती है, लेकिन ऊपर का क्या बात की जा रही है? लोक प्रशासन की, और नीचे सरकारी कार्यकलाप। तो ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे लोक प्रशासन की चर्चा की होती तो ये बिल्कुल सही होना था। तो ये दोनों सही है, लेकिन सही रीजन नहीं है, तो उसका सही आंसर होगा बी। उत्तर शीत युद्ध काल में निर्गुट राष्ट्रों संगठन नेम अभी भी प्रासंगिक है। निकट भविष्य में कुछ विकासमान राष्ट्र प्रमुख स्थिति में होंगे। तो ये बिल्कुल गलत यहाँ पे बात कर रहा है। उत्तर शीत युद्ध काल में निर्गुट राष्ट्रों का कोई भी महत्व तो नहीं है। अब नॉन अलाइनमेंट, अब अलाइनमेंट कहाँ होना है? यहाँ तो सिर्फ एक ही आपके पास पोल बचा है। अलाइनमेंट तो वहाँ होता है जहाँ पे दो गुट होते हैं। तो अब इसकी प्रासंगिकता नहीं रह गई है उस हिसाब से। भले ही नेम अभी भी चल रहा है, लेकिन प्रासंगिकता इसकी नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा डी। ये यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 25। भारत और चीन दोनों ने 21वीं सदी में रचनात्मक एवं सहयोग के संबंध का मार्ग अपनाया है। बिल्कुल अपनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोऑपरेशन की बात करते हैं भारत और चीन। रीजन, चीन ने पाकिस्तान की परमाणु नीति का विरोध किया है। बिल्कुल गलत, चीन ने हमेशा सपोर्ट ही किया है। चीन ने पाकिस्तान की परमाणु नीति का सपोर्ट किया है। जब 1998 के अंदर भारत ने विस्फोट किया तो चीन ने सबसे ज़्यादा विरोध भारत का किया है, लेकिन पाकिस्तान ने जैसे ही किया तो चीन बोलने लगा कि जब इनका एनिमी, पाकिस्तान का एनिमी भारत के पास परमाणु हथियार है, तो पाकिस्तान के पास भी होने चाहिए। ठीक है, देखते क्वेश्चन नंबर 26। सॉरी, क्वेश्चन नंबर ये है 26। ठीक है, सप्तांग, इसको आपने क्या करना है? कालक्रम में लगाना है आपने। सप्तांग थ्योरी आपको पता है 300 से 320 ईसा पूर्व कौटिल्य ने दी है। संरक्षण का सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत आपके सामने आया है 1917 में। अहिंसात्मक विरोध, पैसिव रेजिस्टेंस, ये अरविंदो घोष ने दिया है, 1928-30 के बीच आया है। और सत्याग्रह 1930-31 में, नमक सत्याग्रह जो गांधी ने किया है। तो इसका सही क्रम होगा सबसे पहले एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, और फिर चार। तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 27। नीचे दी गई पुस्तकों के प्रकाशन को कालक्रम में करना है आपने। अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखी है हेरोल्ड, सॉरी, एच जे लास्की ने, हेरोल्ड जे लास्की ने 1925 के अंदर। आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी लिखी है अरविंदो घोष ने।
और ये बुक लिखी है 1934 के अंदर, और उसके बाद है कल्चरल सिटीजनशिप, अ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट, ये लिखी है विल किमिलिका ने 1995 में। न्यू ह्यूमनिज्म 1982 में एमन रॉय की बुक छपी है, तो इसका सही कालक्रम होगा सबसे पहले एक 1925 में आई है, उसके बाद है दो, उसके बाद है चार, तीन, एक दो चार तीन, एक दो चार तीन आपके पास है डी में, तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 28, कार्ल ड्यूश की जो कम्युनिकेशन थ्योरी है इसमें इन्होंने क्वांटिटेटिव काम बताया है चार किसी सिस्टम के। अभी कम्युनिकेशन अप्रोच मैंने आपके सामने डिस्कस नहीं की है, कम्युनिकेशन अप्रोच सिस्टम अप्रोच का एक पार्ट है और सिस्टम अप्रोच से ही ये उभरी है, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन पहले लोड होती है सिस्टम के अंदर, डाली जाएगी ना, सबसे पहले लोड होती है, लोड होने के बाद वो लैग, ठीक है, सबसे पहले लोड लोड होने के बाद कितना टाइम लेती है वो प्रोसेस होने में, कितना उसने देर की लेग किया, उसके बाद गेन, उसके बाद देर करने के बाद उसने कितना जल्दी गेन किया, और गेन करने के बाद वो कितना जल्दी लीड करती है, तो इसका सही आंसर होगा 2143, 2143, तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू केनेथ ऑर्गेंस्की, डेवलपमेंट सोसाइटी हैज़ टू पास थ्रू द फॉलोइंग फोर स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, इसकी स्टेजेस दो थ्योरी है, एक WW रोस्टो की, उसको बोला जाता है विकास का एरोप्लेन मॉडल, ठीक है, और ये है विकास का डेवलपमेंट मॉडल। तो इसमें आपने देखना है, सबसे पहले होता है पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, भारत का एग्जाम्पल ले लो, सबसे पहले भारत क्या है पॉलिटिकल रूप से यूनिफाई होता है, आज़ाद होता है, उसके बाद क्या होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या किया जाता है, नेशनल वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, और उसके बाद एविडेंस, प्रचुर मात्रा में आप प्रोडक्ट उत्पादन करने लगते हैं और फिर उसको आप दूसरे देशों के साथ भी साझा कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 1324, 1324, 1324 है हमारे पास बी, इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग सर्व्ड द लोकसभा एज स्पीकर। अच्छा, ये लोकसभा स्पीकर आपको बताने हैं कि कौन कब रहा है। सबसे पहले आप देखो, इसके लिए मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ट्रिक बनाई है जो आपको इजीली याद हो जाएगी, जैसे गणेश दो बार आया हुक्का पीकर, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो आपको वो ईजीली याद हो जाएगी, मैं कल तक इसको भी डाल दूंगा। सबसे पहले आए हैं हुकम सिंह, हुकम सिंह का टाइम पीरियड रहा है 1962 से 67 तक, और इनके तुरंत बाद आए हैं संजीवा रेड्डी, ठीक है, ये रहे हैं 1967 से 69, 2 साल, और पी ए संगमा का टाइम रहा है 1996 से 98, और सबसे लेटेस्ट है सोमनाथ चटर्जी जो कि यूपीए गवर्नमेंट में रहे हैं 2004 से लेके 2009 तक, ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, 1342। क्वेश्चन नंबर हमारा सॉरी सी सी में है 2143, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग आर प्लेस्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस ऑर्डर में, सबसे पहले है चेंजिंग द नेम ऑफ स्टेट, पहली ही अनुसूची के अंदर है, सेकंड है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 2930 में दिया गया है, इम्पोजिशन ऑफ प्रेजिडेंट रूल आर्टिकल 356 में है, रेफरेंस ऑफ IAS IPS ऑफिसर ये 312 में है, ठीक है, तो इसका सही क्रम होगा 2143, 2143, तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 32, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग अप्रोच के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड की है, आप उसमें भी इसको देख सकते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि बहुत बार ये पूछा गया है इस टाइप का। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, डिटरमाइनिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिटरमाइन करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद आप करते हैं
एक्वायरिंग द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम, जब आपने डिटरमाइन कर लिया उसके बाद ही आप उसके बैकग्राउंड में जाओगे, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करोगे कि कौन कौन से ऑल्टरनेटिव आपके सामने हैं, और सबसे लास्ट में ऑल्टरनेटिव को इवेल्यूट करोगे, ठीक है, उनका परीक्षण करोगे कि ये सही है कि नहीं है। तो इसका सही आंसर है बी, 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैव इवॉल्व। देखिए फ्रेंड्स, ये पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी आया है, रिपीट हुआ ही है। क्लासिकल अप्रोच सबसे पहले आई, ठीक है, उसके बाद ह्यूमन रिलेशन अप्रोच 1930 में, बिहेवियरल अप्रोच 1940 में, और पॉलिसी अप्रोच आई है 1950 के बाद। तो इसका सही क्रम होगा 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4। तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 34, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन इंडिया चाइना रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसमें दलाई लामा एंट्री इनटू इंडिया, ये आपको इसकी डेट भी एग्जैक्टली पता होनी चाहिए कि क्या डेट है, मैं इसकी डेट भूल रहा हूँ, ठीक है। इंडिया रिकॉग्नाइजिंग पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था 1949 में, पंचशील समझौता हुआ है 1954 में, सिनो इंडिया 50th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन 1999 में। तो इसका सही क्रम होगा 2, 2, 4, 1, सॉरी 2, उसके बाद 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे ये ट्रीटी दी है और इसको आपने मैच करना है। मास्ट्रिस्ट ट्रीटी हुई है 1992 में, नॉन प्लोरिफ्लेशन ट्रीटी हुई है 1968 में, बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस हुई है 1961 में। ये नेम जो आपकी कंट्रियाज है नॉन अलाइनमेंट, उसकी पहली बैठक हुई थी बेलग्रेड में 1961 में। साल्ट एक एग्रीमेंट है, ये हुआ है 1969 के अंदर, इससे आर्म रिडक्शन मतलब आपके शस्त्रों पर नियंत्रण करने के लिए ये हुआ था 1969 में। और ये निक्सन जो डॉक्ट्रिन है उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसका सही कालक्रम होगा 35 का सी, ठीक है, सी इसका सही आंसर है 3, 2, 1, 4। क्वेश्चन नंबर 36, पावर आपने मैच करना है। पावर को सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया है मैकियावेली ने। इटरनल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं ग्रीन। अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ की बात करते हैं ईस्टर्न। अब अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ क्या है? अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ है कि राज्य के पास अथॉरिटी है, राज्य वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन करता है लोगों के बीच। जैसे राज्य डिस्ट्रीब्यूशन करता है नौकरियों का, राज्य डिस्ट्रीब्यूशन करता है पॉलिटिकल कल्चर का, ठीक है। तो ये अथॉरिटी है उसके पास, इसीलिए इसको अथॉरिटेटिव एलोकेशन बोला गया है। प्रिजन डायरी, प्रिजन डायरी लिखी है ग्रामशी ने, और दोस्तों अगर यहाँ पे प्रिजन डायरी की जगह प्रिजन नोटबुक होता तो वो लिखी है जेपी नारायण ने। तो 36 का करेक्ट आंसर है ए, 3, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 37, मैच द फॉलोइंग लिस्ट विद वन, एक को दो के साथ मिलाना है। सेंट ऑगस्टाइन ने दी है थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड। अगर यहाँ पे जॉन ऑफ सेल्सबरी होता तो उन्होंने भी टू स्वॉर्ड की थ्योरी दी है, ठीक है। माओ, लेट द 100 फ्लावर ब्लूम्स, मतलब 100 प्रकार के फूलों को खिलने दो। इससे माओ का मतलब था कि अगर देश में 100 प्रकार की संस्कृति है, 100 प्रकार की भाषाएं हैं, 100 प्रकार के डिफरेंसेस हैं, तो उन 100 प्रकार के संस्कृतियों को एक साथ पनपने दो, उसी से विकास होगा, ठीक है। सी, एमन रॉय ने लिखी है कॉलोनियल थीसिस, और अरविंदो ने लिखी है इन्वोल्यूशन। तो 37 का करेक्ट आंसर है सी, 4, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट
मैथ्स डे, ठीक, नोट आपने ध्यान रखना है। रॉबर्ट एडेल ने हु गवर्न लिखी है, बिल्कुल सही। टी बी बोटामोर ने एलिट एंड सोसाइटी, बिल्कुल सही। डेविड ईस्टन द पॉलिटिकल सिस्टम, नहीं, इन्होंने लिखी है एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, द पॉलिटिकल सिस्टम इन्होंने नहीं लिखी है, तो सी इसका गलत है। लुशियन पाई ने स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिल्कुल लिखी है। क्वेश्चन नंबर 39, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से जुड़े हैं कार्ल ड्यूश, ठीक है, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी थ्योरी से जुड़े हैं एजी फ्रेंक, मास माइंड से जुड़े हैं रॉबर्ट मिशेल, साइन ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एट थ्री लेवल्स लुशियन पाई ने लिखी है, तो 39 का सही आंसर है ए, 4-1-3-2। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें भी आपको लिस्ट एक से लिस्ट दो को मिलाना है। इंडियन नेशनल लोक दल, इंडियन नेशनल लोक दल है हरियाणा में, टीएमसी है वेस्ट बंगाल में, जेडीयू है बिहार में, और तेलंगाना राष्ट्र समिति है आंध्र प्रदेश में, और अभी ये रूलिंग पार्टी है तेलंगाना में। तो 40 का करेक्ट आंसर है सी, 4-1-2-3। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें आपको मिलाना है एक को दो के साथ। पीवी नरसिम्हा राव बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने। बाबरी मस्जिद का जो कांड हुआ था वो हुआ था 1992 में। देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे 1996 में, और नेहरू ने पंचशील समझौता साइन किया था 1954 में। तो 41 का करेक्ट आंसर है सी, 4-1-2-3। क्वेश्चन नंबर 42, इसको आपने मिलान करना है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना है आपने। एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, सिर्फ एक सुपीरियर से आदेश का मिलने का मतलब है यूनिटी ऑफ कमांड। हाउ मैनी सुबॉर्डिनेट कैन एन एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्ट पर्सनली, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर कितने व्यक्तियों को डायरेक्ट कर सकता है, इसका मतलब है स्पैन ऑफ कंट्रोल, कि कितने व्यक्तियों को वो कंट्रोल कर सकता है। द सुपीरियर सुबॉर्डिनेट रिलेशनशिप थ्रू अ नंबर ऑफ लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये है हायरार्की के अंदर। द ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट टू प्रोवाइड यूनिटी टू एक्शन इन द परस्यूट ऑफ कॉमन पर्पज, ये है कोऑर्डिनेशन। तो इसका सही आंसर है डी, 42 का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इज नॉट, ठीक है, क्लासिकल स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही। क्लासिकल अप्रोच स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा बल देती है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, स्ट्रक्चर, सरकार क्या है, स्ट्रक्चर, ठीक है। ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन बात करता है अनौपचारिक समूहों की, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, बिल्कुल सही। सिस्टम एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही। सिस्टम में दो प्रकार के एनवायरनमेंट की बात की गई है, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये सिस्टम को दोनों प्रभावित करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल गलत। साइंटिफिक मैनेजमेंट दी है एफ डब्ल्यू टेलर ने, और 14 प्रिंसिपल दिए हैं हेनरी फ्योल ने, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें भी एक को आपके एक लिस्ट एक को दो से मिलाना है। मॉर्गेन्थू ने लिखी है द पॉलिटिक्स अमंग नेशन इज कार 20 ईयर क्राइसिस, केनेथ वॉल्ड्स ने थ्योरी दी है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और शेलिंग टी ने लिखी है द स्ट्रेटर्जी ऑफ कंफ्लिक्ट। तो 44 का सही आंसर है सी, 3-4-2-1। क्वेश्चन नंबर 45, लिस्ट एक को दो से मिलाना है, इसमें भी गैट, गैट का मतलब है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, तो एक का सही आंसर है 4। सार्क, सार्क है साउथ एशियन नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन, नाफ्टा है नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड है। डी, ट्रिप्स, ट्रिप्स है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड, तो 45 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए डी, 4-1-3-2। दोस्तों पहले ये पैराग्राफ आता था,
सेकंड पेपर में, लेकिन अब इस टाइप का पैराग्राफ क्वेश्चन पेपर नहीं आता है तो हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, मैंने अपनी ओर से पूरी मेहनत की है आपको समझाने की। अब आप लोग भी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।